हम सभी को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। हम सब जानते हैं 2017 में लगभग 14 वर्ष के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था और पिछले 5 वर्ष के दौरान सरकार और संगठन ने बेहतरीन समन्वय करते हुए प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए, एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में फिर से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से प्रदेश के अंदर सरकार का गठन किया है। जब हम लोग अपना 42वां स्थापना दिवस पार्टी का यहां पर मना रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि जिन जन आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रत्येक नागरिक हमसे अपेक्षा रखता है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सबको प्रत्येक दिन एक नई परीक्षा के दौर से गुजरने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अनेक मॉडल इस दौरान उत्तर प्रदेश ने दिए, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर 43.5 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य रहा हो, चाहे वह 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य रहा हो, 15 करोड़ प्रदेश के गरीबों के लिए महीने में कोरोना कालखंड में 2 बार डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने का कार्य, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है। और आज इसीलिए आज जब हम लोग फिर से जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इस जनादेश के साथ जब हम 42वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं, जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना हम सबके लिए आज की सबसे बड़ी चुनौती होगी। 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर चुनाव के पूर्व हम लोगों ने एक लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, उस लोक कल्याण संकल्प पत्र को एक मंत्र मान करके, इसके एक एक शब्द को मंत्र मान करके उन पर खरा उतरना, उनको अंगीकार करना, जनता जनार्दन से किए गए उन सभी वायदों को एक संकल्प के रूप में आगे बढ़ाने के व्रत के साथ हमें आगे बढ़ना होगा।